वेलकम बैक टू द चैनल. मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र. मैं हूं सुनील. और दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है ट्रेलर जो कि आया हुआ है लव आजकल का. और इसमें है कार्तिक आर्यन, सारा अली खान, रणदीप हुड्डा और आरुषि. ये इम्तियाज अली की मूवी है और लव आजकल आपने पहले वाली भी देखी होगी जिसमें सैफ अली खान थे और उसी का नया वर्जन आया है लव आजकल आज की डेट का. तो इस बार कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद, और ये शायद रिलीज भी 14th of February को हो रही है, वैलेंटाइन डे पे आ रही है ये मूवी तो, और उसी पे बेस है ये लव पे. तो लव बर्ड्स के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उनको एक अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी. और जिस हिसाब से इसमें कार्तिक आर्यन है, सारा अली खान है, बाकी मूवी का हमें पता नहीं है स्टोरी कैसी है, वो हम ट्रेलर देखने के बाद में पता लगेगा एक्चुअल. तो और इम्तियाज अली वैसी मूवीज बनाते हैं लव वाली और पूरा रोमांटिक. तो गाने भी इसमें देखो तो याद हमें कुछ पुराने सुनने को मिल जाए या कुछ नए हो तो बहुत अच्छी बात है. पुराने होंगे तो याद देखो वही गाने रिमिक्स करके फिर थोड़े से लिरिक्स चेंज करके वही चीज चल रही होती है. बाकी देखते हैं कि है क्या एक्चुअल में. तो देखते हैं इसका ट्रेलर. व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? हां चल क्या रहा है तुम्हारे स्टूपिड ब्लरी माइंड में? तुम मुझे रिजेक्ट करते हो, यू रिफ्यूज टू स्लीप विद मी और तब से ऐसा मेरा पीछा कर रहे हो. तुम ऐसे ही कोई भी लड़की नहीं हो, कैसे एक्सप्लेन करूं कि तुम स्पेशल हो? ये भी मैं बताऊं तो तुम क्या करोगे? नहीं मतलब हाँ बताओ, मतलब क्यों पीछा कर रहे हो तुम मेरा? अच्छा पीछा नहीं करो. मैंने कहा तुम्हें तुम मेरा पीछा मत करो. तुम्हें Two stories. गलत हो जा तू ही, आजा करे गलती नहीं. नीना मैं बहुत सीरियस हूँ आपके बारे में, जीवन के आखिरी दिन तक रहूंगा आपके साथ. बातें तो फोन पे भी हो सकती थी ना. चलो अभी भाग चलते. हटो जिस मोमेंट तुम्हें लगे मैं तंग कर रहा हूँ मैं चला जाऊंगा. मेरी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरा करियर है. What happened? सिर्फ एक इंसान के साथ रहना, उसी के लिए वो वाली फीलिंग लाना नेचुरल थोड़ी है. क्या सोच कर आए थे? शब्द क्या निकला मुंह से? बड़ी जगह है. Would you like to break dance? Dance? मालूम है तुम कभी नहीं करोगे, एक दिन तुम कर भी देते हो. Just like that. जो भी हम sort out कर रहे हैं. ये sort out नहीं होगा वीर. क्या हो गया सोई? तुम मुझे तंग करने लगे. ये कभी तुम्हारे और करियर के बीच में बैलेंस नहीं कर पाऊंगी. कॉम्प्रोमाइज रिलेशनशिप किसी के साथ भी कर लूंगा लेकिन तुम्हारे साथ नहीं करूंगा. मुझे फुल जोई चाहिए, अंदर वाली बाहर वाली, करियर वाली, फैमिली वाली, फुल. आना तो पूरी तरह आना तो आना ही मत. तुम लड़कियों से अट्रैक्ट होते हो? या तुम लड़कों से अट्रैक्ट नहीं होती? या मुझे पेट्रोल भी पीने का बहुत मन होता है. शाला मैं भी गा रही भाई. तो भाई वैलेंटाइन डे के दिन आ रही है और पूरी मूवी मतलब लव पे ही है बेस्ड. लव पे यानी पहले की पुरानी स्टोरी और थोड़ी सी नई जनरेशन का वो दिखाया है. लव स्टोरी सेम ही होती है बस वो टाइम चेंज आता है बस थोड़ा सा. हाँ पहले जो 90s की सीरीज की बात करें उस दौर में एक टाइम था कि हेजिटेशन हुआ करती थी बात करने में, डिस्कस करने में. उस टाइम लड़कियों से बात करने में ना हम सोचते थे कि यार कैसे बात की जाए या क्या कुछ हो, लेकिन आज के टाइम में तो बहुत फास्ट हो गया. डायरेक्ट पूछ लेते कि हाँ भाई वीडियो लड़की खुद आ रही है भाई. दिखाया हुआ लड़की खुद आ रही है पूछने भाई क्या है बड़े दिन से देख रहा. एक चीज बहुत अच्छी दिखाई है इसमें कि वो बालकनी में खड़ी है और लड़के चक्कर मार रहे थे गलियों में. तो ये होता है भाई जब नया नया प्यार उमड़ता है ना लड़कों का. गेड़िया गली में लगनी ऐसे शुरू हो जाती है. लड़की नोटिस करे या ना करे लेकिन कॉलोनी के लोग, आजू बाजू के लोग ना नोटिस कर लेते हैं कि लड़का कॉलोनी में घूम रहा है.
और वैसे ही दो गाने हमें सुनने को मिल ही गए, वही पुराने वाले लव आजकल के जो हैं, सैफ अली खान के बहुत ही फेमस सॉन्ग थे और रिमिक्स होके आए। मैंने एक्सपेक्ट किया था वही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लव की मूवी है तो फिर कहीं ना कहीं गाने भी थोड़े वैसे ही घूमते फिरते होंगे और एज यूजुअल। बाकी मेन तो कार्तिक और सारा का ही दिखाया है इन्होंने, और रणदीप हुड्डा की एक हल्की सी झलक मिली हमें देखने को, अब देखना होगा वो उनका रोल क्या। बाकी मैं कहता हूं वो वाला सीन बहुत अच्छा लगा, वो वहां पे गुंबद के पास खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं, तो किसी से कर रहे होते हैं फोन में भी हो सकती थी, नहीं पुलिस वाला आके नहीं बोलता क्या समझते। एक्चुअली वहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है ट्रेलर में साइलेंट किया गया है, क्योंकि वो थोड़ा सा वर्ड वैसा लग रहा था कि बैड वर्ड है, क्योंकि उसने बोला था समझ रखा है। एक्चुअल वर्ड ये था, क्योंकि मैंने जब ये बंद नहीं किया था उससे पहले ट्रेलर देख लिया था, तो वो चीज है। और तो उसी के लिए वो पुलिस वाले को मारता है, वर्ड क्या निकला भाई तेरे मुंह से, निकला क्या है पहले ये बता। और जो नया वाली स्टोरी है उसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा एडवांस वाला दिखाया हुआ है, क्योंकि जितनी चीजें नए वाले टाइम में होती हैं आजकल वो पुराने वाले टाइम में इतनी चीजें नहीं होती थी। अब तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं यार, अब तो फिर वही चीजें लव के लिए, तो अब मेन चीज क्या, लव कभी भी हो सकता है आजकल। तो पहले क्या था, एक बार प्यार होता था उसके बाद दोबारा प्यार होता ही नहीं, लेकिन आजकल तो गाना है कौन कहता है प्यार दोबारा नहीं हो सकता। तो भाई बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। और इसमें ये भी दिखाया है कि जैसे वो थोड़ा टाइम होता था, थोड़ा टाइम पास होने के बाद वो बोलती है कि अब तो मुझे तंग लग पड़े हो करने, ऐसा कुछ मतलब स्टोरी। अक्षय कुमार और बीप्रक का जो गाना आया था, कहते कि प्यार दोबारा नहीं लगता, कुछ कैसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं। और उधर अभी एक पंजाबी सॉन्ग आया था कि मेरे को दोबारा प्यार हुआ वो फिर तुझसे ही हुआ। तो भाई अब देखते हैं इसमें लव आजकल में प्यार तो होता ही रहता है, लेकिन आजकल जो प्यार के मायने बदल गए हैं ना, कि पहले एक बार प्यार होता था, दो बार प्यार लग गया, काफी बार प्यार होता है आजकल, थोड़े दिन में तीसरी बार प्यार भी लग जाएगा। तो ऐसा ही है, स्टोरी भी कुछ ऐसी है थोड़ी सी, ये अभी थोड़ा हमें पुराना टाइम और नया टाइम में थोड़ा देखने को मिलेगा। अब काफी चीजें बदल भी गई है ना, मेन चीज के हिसाब से फिल्मों का दौर चला है उस हिसाब से, और फिर जनरेशन और इंटरनेट जो आ गया आज के डेट में, तो लोग बच्चों को एडवांस कर गया है। आजकल के बच्चे बहुत कुछ जान चुके हैं, प्यार व्यार की कहानियां, वो पहले का टाइम गया ग्रीटिंग दे रहे हैं या फिर वो कर रहे शायरी गा रहे हैं। आजकल शायरी वायरी कुछ नहीं है भाई, सीधे डायरेक्ट प्रपोज होता है, प्रपोज होने के बाद हाँ या ना में बदलती हैं चीज़ें, उसके अलावा और कुछ नहीं होता आज के डेट में। तो 14 फेब को आ रही है ये मूवी, और कई लोगों की तैयारी होगी 14 फेब की। भाई 14 फेब मतलब पता है क्या, 7 फरवरी से ही शुरू हो जाते हैं लोग भाई, 7, 8, 9 सारे डेज होते हैं, पता नहीं चॉकलेट डे, हैप्पी डे, ठीक है बहुत सारे डे होते हैं, लास्ट में वैलेंटाइन डे है भाई, लवर्स का डे उस दिन, और उस दिन ये फिल्म रिलीज हो रही है। तो ये था ट्रेलर लव आजकल का, और आपको ये ट्रेलर कैसा लगा है और आपकी क्या तैयारी है वैलेंटाइन की, भाई हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ अभी भी। और सबके साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और यार वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है, बढ़िया वीडियो मूवी आ रही है। हाँ। और शेयर करो दोस्तों के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।